हेलो गाइस, सो रिसेंटली मैं गया हुआ था बेंगलोर में और बेंगलोर एयरपोर्ट पर मैंने विजिट किया 080 लाउंज। तो 080 बेंगलोर का एसटीडी कोड है, तो उसी के नाम पर ये इस लाउंज का नाम रखा गया है। और गाइस बिलीव मी, इससे पहले मैंने दिल्ली का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल और मुंबई का लाउंज, ये सब मैंने लाउंज देखे हैं, बट इतना फैंटास्टिक मतलब 5-स्टार रेटिंग वाला लाउंज मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। बेंगलोर हैड एन अमेजिंग प्रीमियम एयरपोर्ट लाउंज। यहाँ पर कुछ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्टेबल हैं जो मैं आपको अभी मेंशन करता हूँ। यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, प्रायोरिटी पास, एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड, प्रायोरिटी एंड बुरगेंडी कार्ड, इंडसलैंड बैंक डेबिट कार्ड सिग्नेचर, SBI एंड HDFC फर्स्ट डेबिट कार्ड सिग्नेचर हैं ये सब। और मेरे पास एक SBI का क्रेडिट कार्ड था, ये सब यहाँ पर एक्सेप्टेबल थे। इसके अलावा अगर मैं ICICI वगैरह बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। सो चलिए मेरे साथ और आज एक्सप्लोर करते हैं ये बेंगलोर का 5-स्टार रेटिंग लाउंज। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ का सिटिंग एरिया। ये देखिए, कंफर्टेबल चेयर्स यहाँ पर लगी हुई हैं, ऐसी चेयर्स मैंने किसी और लाउंज में नहीं देखी। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं ये लाउंज और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फूड मेन्यू ऑप्शंस यहाँ पर जो जो प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कॉफ़ी मशीन विद कुकीज़, और यहाँ पर भी सिटिंग एरिया है, बहुत ही अच्छा मतलब सिटिंग एरिया, एकदम कलरफुल इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और अच्छी चेयर्स इन्होंने मतलब यहाँ पर लगाई हुई हैं। सो गाइज, यहाँ पर मिल रहा है हमें एक फ्रेंकी और पिज़्ज़ा, ये भी फर्स्ट टाइम है मैंने देखा है कि किसी लाउंज में आपको पिज़्ज़ा और फ्रेंकी मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मैंने दोनों टेस्ट किए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं इनकी, जो फ्रेंकी और जो पिज़्ज़ा है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप जब विज़िट करें तो इनको यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स हैं और पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, और ये है गुलाब जामुन विद रसमलाई, और खीर है यहाँ पर, बटर्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, जो आपको मतलब एक 5-स्टार होटल में मिलता है वो आपको सब कुछ यहाँ एक लाउंज में प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए रसगुल्ला, देखिए जो छोटे वाले रसगुल्ले होते हैं उसमें इन्होंने रसमलाई डाली हुई है, और ये देखिए खीर, वाह भाई वाह। यहाँ से स्टार्ट करते हैं गाइस, यहाँ पर आ गए थे केक, और ये है फ्रूट केक, ये है सूप, और यहाँ पर दिए गए हैं ब्रेड्स वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं, ये है नूडल्स, ये है ज़ाफ़रानी, मटर पुलाव, ये है पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, फ्रेश फ्रूट्स, कटेड भी हैं, अनकट फ्रूट्स भी हैं यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर है ब्लैक ऑलिव्स, सैलेड्स भी हैं यहाँ पर, वाह भाई वाह। उसके अलावा चिकन सैल्मन एंड एप्पल सैलेड, टूना फिश। सो गाइस, नॉन वेज में है कोड़ी वेडप्पू, ये मैंने ट्राई किया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और एक ये है चिकन कीमा मसाला, और ये जो अभी इससे पहले चिकन दिखाया था उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये है चिकन कीमा, बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा, मैंने इसको वहाँ पर 2 बार ट्राई किया था। और आप ये पाव देखिए गाइस, आपने और सब जगह या होटल्स में भी देखा होगा वाइट कलर के वाइट पाव होते हैं, और यहाँ पर जो मल्टीग्रेन्स पाव होते हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा ये भाजी है, और ये है कॉर्न एंड चीज नगेट्स, ये भी बहुत टेस्टी था, एकदम गर्मा गर्म इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। खरा भात, ये बेंगलोर की बहुत फेमस डिश है, जिस तरह से यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, ऑनियन समोसा। सो गाइस, अभी मैंने ये लिया है, सारे ऑप्शंस में मैंने लिया है, नूडल्स लिया है, कॉर्न लिया है, सूप लिया है, थोड़ा सा पास्ता लिया है, फ्रेंकी लिया है, और नॉन वेज में मैंने ये लिया है, इसमें मैंने बन लिया है, चिकन लिया है, कीमा लिया है, और ज़ाफ़रानी पुलाव लिया है। भाजी के साथ ट्राई करते हैं, पाव के साथ कीमे का, वाह ऑसम टेस्ट, बहुत ही बढ़िया बना हुआ, मसाले वगैरह एकदम परफेक्ट डाले हुए हैं, किसी चीज़ को बढ़िया मिल रही है। चिकन ट्राई करते हैं,
सो गाइस फिर से मैंने कीमा ऑर्डर किया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, एकदम बढ़िया गर्मा गर्म है, बढ़िया रहेंगे एकदम बढ़िया से मिक्स है मसालेदार, सुपर। अगर आप कभी बेंगलोर एयरपोर्ट में आ जाओ इसी वाले आप लाउंज में रुकिएगा, मैंने आपको 80 लाउंज है, बहुत ही बेस्ट है। कार्ड्स वगैरह की डिटेल्स मैं बता दूंगा कौन कौन से कार्ड यहाँ एक्सेप्टेबल है। सो गाइज ये है इनका प्राइवेट स्क्रीन जहाँ आप ले सकते हैं मूवीज़ का मज़ा। ये देखिए दो एकदम रिक्लाइनर वाली जो चेयर्स हैं वो लगाई हुई है, वाह भाई वाह, ये देखिए इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं और आपको पीछे भी अच्छा सिटिंग एरिया इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर मतलब मानो तो 15-20 जने एक साथ मतलब बैठ के यहाँ पर आप किसी मूवी का या मैच का मज़ा ले सकते हैं। और एक एक्साइटिंग चीज़ बात बताता हूँ कि यहाँ पर आप पॉपकॉर्न भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऑन डिमांड है और वो भी एकदम फ्री हैं, जब आप ऑर्डर करेंगे आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी बेंगलोर एयरपोर्ट में फ़्लाइट लेने आ रहे हो तो अपना टाइम थोड़ा और निकाल के हैं ताकि आप इस जो लाउंज है उसको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो गाइज़ ये दिया गया है एक प्राइवेट एरिया, अगर आपकी कोई मतलब ऑनलाइन कॉल या मीटिंग्स है तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक एयर प्योरीफायर दिया हुआ है, डेस्क दिया हुआ है चार्जिंग वगैरह के लिए लैपटॉप को, और आप यहाँ पर आप अपनी मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल या प्राइवेट कॉल करनी है जिसमें आपको जो मतलब इस तरफ भी सिटिंग एरिया है, यहाँ पर लैंप वगैरह भी दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। और गाइस अभी आ जाता है मेन जो इसका पार्ट है वो है यहाँ का बार, ये देखिए मतलब यहाँ पर विस्की और बियर्स की बात करूँ तो हर एक ब्रांड्स की यहाँ पर आपको विस्की और बियर प्रोवाइड की जाती हैं। और कॉफ़ी भी यहाँ पर नॉर्मल कॉफ़ी नहीं है, जो एकदम ब्रांडेड जैसे कोठास कॉफ़ी है बेंगलोर की बहुत ज़्यादा फेमस कॉफ़ी, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और इसी के साथ आप अपनी टाइमिंग जो फ़्लाइट की यहीं पर बैठे बैठे देख सकते हैं, अगर आपका जो बोर्डिंग स्टार्ट हुई है नहीं आपको यहीं से डायरेक्टली पता चलता रहेगा। तो गाइज़ अभी जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिखाए तो उसके बाद यहाँ पर एक ये बेक्ड समोसा आया, चाट आई है, मैंने सोचा इसको भी ट्राई किया जाए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बिलीव मी मैंने इसको ट्राई किया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसी के साथ ये केक था गाइज, थोड़ा सा आगे निकल के मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर इन पर एक प्राइवेट लाइब्रेरी भी है, वाओ ये देखिए पूरी लाइब्रेरी। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप कभी भी बेंगलोर आ रहे हो एयरपोर्ट पर तो आप अपने साथ पुरानी आप अपनी नॉवल्स ला सकते हैं, आप उनको यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं और आप उनको देखकर यहाँ से कोई भी अपनी पसंदीदा ये जो नॉवल्स है आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सो गाइस यहाँ जो मैं आपको सामने में दिखा रहा हूँ ये भी एक लाउंज है, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो आपको 080 लाउंज में जाना है, ये देखिए एक और लाउंज है। बस आप अपने कार्ड का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में अपने कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और कार्ड से रिलेटेड जितना भी डिटेल्स है मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूँगा। ऑल राइट गाइड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ गाइड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। Thank you so much.